दोस्तों क्या आपको भी लोन का जरूरत है दो हज़ार पाँच हज़ार और दस हज़ार का लोन का जरूरत है तो आप भी लोन अप्लाई कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते तो मैंने यहाँ पे पाँच हज़ार का लोन अप्लाई किया और यहाँ पे मेरे को पाँच परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है एक साल का यहाँ पे ईएमआई बन रहा है और यहाँ पर आपको मंथली ई कितना आ रहा है जो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पाँच हज़ार का लोन अप्लाई किया है तो यहाँ पे देख सकते तो मंथली ई कितना आ रहा है जो भी यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है आपको भी एप्लीकेशन से लोन लेना है तो कौन सा एप्लीकेशन है कैसे लोन अप्लाई करेंगे और सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है कैसे अप्लाई करना है अप्लीकेशन का नाम आपको वीडियो को लास्ट में बता देंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ अप्लीकेशन के बारे में डिटेल सारा जानकारी आपको जान लेना है कि अप्लीकेशन सही में लोन देता है या नहीं देता है तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अवार्ड दिस ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है उसको आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लोन पर्सनल लोन, यहाँ पे, यहाँ, पे लोन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट सैलरी लोन यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है और यहाँ यहाँ पे आपको तीस हजार लोन मिलेगा आर से रजिस्टर अप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको पाँच सौ रुपया से लेकर के आपको तीस हजार रुपया तक यहाँ पे लोन मिलेगा और ये अप्लीकेशन आर से रजिस्टर अप्लीकेशन है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हो आर बी रजिस्टर्ड अप्लीकेशन लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा कौन कौन सा आपको किस तरह से आपको कितना मंथ के लिए आपको ई करना होगा सारा कुछ यहाँ पे जी कितना लगेगा सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि नीचे में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ अगर आप दो का लोन लेते हो तो तीन मंथ का आपको ई बनेगा और यहाँ पे आपको 24 परसेंट आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस दो सौ रुपया और यहाँ पे छत्तीस रुपया यहाँ पे जीएसटी लगेगा और इंटरेस्ट एक सौ बीस रुपया आप पे आपको टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे लगेगा जो आपको दो हज़ार तीन सौ छप्पन रुपया आपको यहाँ पे दिया हुआ है चलिए मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देते हैं इस एप्लीकेशन से किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है अप्लीकेशन का नाम मैं आपको वीडियो का लास्ट में बता देंगे उसके बाद पहले आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देते हैं अपलिकेशन को ओपन कर लेता हूँ अप्लीकेशन ओपन हो चुका है ओपन होने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन खोजेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैमरा परमिशन माइक्रोफोन मीडिया एक्सेसरीज और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा परमिशन को आपको अलाउ करना है यहाँ पर आपको टिक लगा देना है नीचे प्राइवेसी एंड पॉलिसी में आपको टिक लगाना है उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सारा परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है यहाँ पे परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे वो नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मैंने इंटर कर दिया उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओ आएगा और ओ से यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे एटोमेटिके वेरीफाई कर लेगा यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा एगरी का तो यहाँ पर नीचे परमिशन आपको एगरी का दे देना है उसके बाद यहाँ पे आपको सारा परमिशन देने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते तो एक हज़ार से लेकर के आपको पैंतालीस हज़ार तक यहाँ पे आपको लोन का लिमिट दिया हुआ है और अब लेवल लिमिट यहाँ पे दिखा रहा है जीरो उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कम्प्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे में उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो तो दस मिनट में आपको अप्रूव हो जाएगा लोन और यहाँ पे आपको इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र यानी तुरंत आप बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो और यहाँ पे फ्लैक्सीबल यहाँ पे रीपेमेंट है यानी आप तुरंत पेमेंट भी कर सकते हो आप अपने फ़ोन पे गूगल पे के मदद से आप रीपेमेंट भी कर सकते हो ई को तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कम्प्लीट प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लोन अप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा के डिटेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिजनेस यहाँ पर बिजनेस इन्फॉर्मेशन उसके बाद यहाँ पर टेक्स सेल्फी तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे के वाई सी खोजेगा तो यहाँ पे जिससे कि देख सकते हो तो, फर्स्ट में वीडियो के वाई सी उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन पैन पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है उसके बाद नीचे आधार कार्ड वेरिफिकेशन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके आपको के वाई सी कर लेना है अगर आप यहाँ पे वीडियो के आई सी करते हो तो आपको वीडियो के वासी में आधार कार्ड पैन कार्ड आपको रेडी रखना है उसको आपको के वाई करने के लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और ओरिजिनल पैन कार्ड तब आपके यहाँ पे केवासी कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जब के वाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे नाम जो भी आपका आईडी पे नाम है आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे फर्स्ट नेम उसके बाद नीचे मिडिल नेम उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालोगे उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का यहाँ पे जो भी पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ वो तो डालना है उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा हो या सिंगल हो सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट करना है शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना आप कितना पढ़े लिखे हो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तो, कितना पढ़े लिखे हो बैचलर आपको सिलेक्ट कर लेना उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे फादर का यहाँ पे नाम डालना है मदर का नेम डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे यहाँ पे उसके बाद बिजनेस का आएगा आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको डालना है यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आपका कितना है आपको ऑक्यूपेशन क्या है आप क्या कौन सा काम करते हो कौन सा आपका कौन सा क्या काम करते हो आपका कोई शॉप है या बिजनेस करते हो यहाँ पे जैसे कि किराना स्टोर फर्स्ट में दिया हो तो किराना स्टोर भी आप आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल देना है और बिजनेस का एड्रेस पिन कोड आपको डाल देना सारा डिटेल डालने के बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको आएगा टेक सेल्फी तो टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू टू के वाई सी ऑप्शन वाले आप पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको के करने का ऑप्शन आएगा वीडियो के पैन कार्ड के आधार कार्ड के तो आप किस तरह से आप करना चाहते हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कर सकते हो अगर वीडियो के वाई सी यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इंटर करना उसके बाद यहाँ पे ओ टी वेरीफाई करना सेंड ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर नीचे पैन कार्ड डालना और कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद आपका के वासी, वीडियो के वाई कम्प्लीट होगा आपको आधार कार्ड दिखाना तो आपका के वाई सी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप पैन कार्ड के द्वारा के वाई करना चाहते हो पैन वेरिफिकेशन तो आपको फिर से पैन वेरिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना है उसके बाद कंटिन्यू करना है नीचे उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है पैन पर फुल नाम है जो डालना है उसके बाद पैन पर डेट ऑफ बर्थ है जो डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे के वाई में कंटिन्यू आपको करना है इसमें टिक लगा देना उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो पैन कार्ड से आपका के वाई कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप आधार कार्ड से के वाई करना चाहते हो तो नीचे में आप पे आधार कार्ड शो करेगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कंटिन्यू करना है उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से आप यहाँ पे के वाई सी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको ओ आएगा तो ओ को डाल देना है यहाँ पे ओ टी सेंड ओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है कंटिन्यू करना है उसके बाद यहाँ पे आपको के जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अकाउंट नंबर खोजेगा अकाउंट नंबर इंटर करना है सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है आपका वेरीफाई होने के बाद अकाउंट नंबर जब डालेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से अभी आप अकाउंट को ऐड कर सकते हो यहाँ पे आईएफएससी कोड इंटर करना है उसके बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी आप कोड इंटर करने के बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जो भी बैंक का है आपका बैंक का अकाउंट नंबर है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपका के वाई सी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूव होगा वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करना है तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन के नाम बता देते हैं कौन सा एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में जाना है सर्च करना है एम पॉकेट एम पॉकेट अप्लीकेशन से मैंने आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया है इस एप्लीकेशन से आप भी लोन अप्लाई कर सकते हो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं श्री कुमार के वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत